चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखिए रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका कभी कभी आपको 2π/15 रेडियन कुछ इस तरह से भी लिखा होगा या फिर 2π/15 सी इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया होगा कहीं कहीं पर। तो आरडी शर्मा में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मे भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2π/15 अगर ऊपर पावर में सुपर स्क्रिप्ट में सी लिखा हुआ है इसका मतलब रेडियन ही है कि आपका एंगल रेडियन के अंदर गिवन है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, आज देखते हैं आपको कितना समझ में आया अभी तक जो चीजें बताई गई हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ठीक है, किसी ट्राइंगल्स कोई ट्राइंगल है जिसके एंगल्स आपको गिवन है एपी के अंदर। एपी सभी जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दिए हुए हैं आपको एंगल। द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, ठीक है, द टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट इज 60:5। ठीक है, तो आपको रेशियो गिवन है। देखिए आपको सबसे पहली चीज, एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स एपी के अंदर गिवन है और गिवन है कि जो लीस्ट वाला एंगल है, जो लीस्ट एंगल है, जो सबसे छोटा वाला एंगल है, अगर हम उसको डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा एंगल हमारा कहा ग्रेटेस्ट एंगल या बोल सकते हैं लार्जेस्ट एंगल और उसको हमने रेडियन में मेजर किया, ठीक है, तो किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स एपी के अंदर हैं जिसमें लीस्ट एंगल को अगर हम डिग्री में मेजर करते हैं और ग्रेटेस्ट एंगल को अगर रेडियन में मेजर करते हैं तो इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है, इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है 60/π। ठीक है, आपको बताना है एंगल्स इन डिग्री। ठीक है, आपको इसके एंगल्स डिग्री के अंदर बताने हैं। चलिए फटाफट से मुझे बताइए इसके एंगल्स डिग्री के अंदर क्या होंगे, फिर मैं बताना शुरू करता हूं। ओके गुण, ठीक है, चलिए फटाफट से जल्दी से बताइए कि अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसके अंदर सारे एंगल्स एपी के अंदर हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, और इनमें सबसे छोटे वाले एंगल को अगर हम डिग्री में मेजर करें और सबसे बड़े वाले एंगल को अगर रेडियन में मेजर करें तो उन दोनों का रेशियो 60/π है, तो बताइए इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होंगे, फटाफट से बताइए मुझे जल्दी। चलिए जल्दी बताइए इसको, ओके मोनिशा फटाफट से बताइए। देखिए जब आपको एंगल्स एपी के अंदर दिए हुए और इसके अंदर कितने एंगल होते हैं, तीन किसी भी ट्रायंगल के अंदर, और तीन नंबर हमें अगर एपी के अंदर मानने हैं तो हम क्या मानते हैं उनको, a-d a और a+d। ठीक है, यही मान के चलते हैं। तो मैंने बोला अगर मुझे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके एंगल्स एपी के अंदर है तो मैंने वो एंगल्स क्या मान लिए, a-d a एंड a+d। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली चीज, अगर ये ट्रायंगल के एंगल हैं तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 180। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर सारे एंगल्स पता है हमें तो उन तीनों एंगल्स का सम या फिर उन सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180। तो इस हिसाब से अगर मैं इन तीनों को एड करता हूं, a-d + a + a+d, तो ये मेरे पास बराबर होना चाहिए 180 के। देखिए यही होना चाहिए, ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 के, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर d से d ये कट गया, a+a ये आया मेरे पास 3a is equal to 180, a is equal to आ गया मेरे पास 180/3 जो कि हो गया 60। ठीक है, यहां से मुझे a की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, यहां से मुझे a की वैल्यू पता चल गई, तो अब इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल हमने माने थे वो एंगल क्या माने थे, a-d a और a+d, अब मैं उन एंगल्स को क्या लिख सकता हूं, 60-d, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 60 है तो यहां रख दिया,
तो 60 माइनस डी 60 एंड 60 प्लस डी मैं ये मान सकता हूं, ठीक है, ये माने जा सकते हैं वो, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ए की वैल्यू 60 बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है, इसमें लीस्ट एंगल है ये वाला, ठीक है, लीस्ट एंगल है ये वाला, और लार्जेस्ट एंगल जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ये वाला है। देखिए इसमें 60 में कुछ ऐड हो रहा है, वहां 60 में कुछ माइनस हो रहा है, तो वो लीस्ट हुआ, यहां ऐड होने की वजह से ये लार्जेस्ट हुआ, क्लियर है यहां तक। अच्छा हमें जो लीस्ट एंगल लेना है वो डिग्री के अंदर लेना है, ठीक है, तो अभी बात को समझेंगे। देखो जब हम यहां एंगल्स को सॉल्व कर रहे थे ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, और हमने बराबर रखा था इसको 180 डिग्री के, ठीक है, तो 180 डिग्री के जब हमने इसे बराबर रखा था तो ये तीनों एंगल किसके अंदर निकल के आए होंगे, डिग्री के अंदर या रेडियन के अंदर, जब हम इसको 180 डिग्री से सॉल्व कर रहे हैं तो ये तीनों एंगल जो हमारे पास यहां निकल के आए 60 माइनस डी 60 और 60 प्लस डी, ये एंगल्स किसके अंदर आए होंगे, डिग्री या फिर रेडियन के अंदर, बताइए, ये निकल के आए होंगे डिग्री के अंदर क्योंकि हम इसे डिग्री से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे एंगल अभी डिग्री के अंदर है, तो मैं सीधे बोल सकता हूं लीस्ट एंगल जो डिग्री के अंदर है वो कितना है 60 माइनस डी, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 60 माइनस डी। लेकिन लार्जेस्ट एंगल, जो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है हमारा, वो ये है 60 प्लस डी, ये हमारा डिग्री के अंदर है, लेकिन हमें लेना किसमें है, ये रेडियन के अंदर, और रेडियन में लेने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई बाय 180 से, ठीक है, पाई बाय 180 से, और इन दोनों का रेशियो कितने के बराबर गिवन है हमें क्वेश्चन में, 60 अपॉन पाई, तो यहां से हमारी इक्वेशन बनती है 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी पाई बाय 180 इज इक्वल टू 60 अपॉन पाई, ठीक है। अच्छा ये पाई बाय 180 यहां डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये पाई बाय 180 यहां डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यही इक्वेशन मेरी कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, स्पेस कम है, चलिए यहां रब कर देते हैं इसको, चलिए इसे, ठीक है, ये एंगल यहां पर पाई बाई 180 जो है यहां डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल टू 60 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 180, यही बन गई, देखो ये पाई बाय 180 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया मेरे पास, ठीक है, यहां पाई से पाई कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो एंड सिक्स से ये थ्री बार कट गया, ये बच गया मेरे पास 1/3, ठीक है, इस थ्री को मैं इधर ले जाता हूं और इस पूरे को वन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 180 माइनस 3d, देखो थ्री जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो थ्री पहले 60 से हुआ तो 180, थ्री फिर माइनस डी से तो माइनस 3d, सेम वे में ये पूरा उधर जाके वन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये यहां पर 60 प्लस डी माइनस 3d को हम उधर ले जाते हैं, 60 को हम इधर ले आते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 180, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 3d, उधर जाके ऐड हुआ d प्लस 3d, इसको नीचे रफ कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, देखिए 180 माइनस 60 मेरे पास बनता है 120 इज इक्वल टू 4d, 4 से डिवाइड किया 120 अपॉन 4 इक्वल टू डी, ये आ गया मेरे पास 30, ठीक है, तो डी की वैल्यू 30 आ गई। अच्छा हमारे पास एंगल क्या थे, 60 माइनस डी 60 और 60 प्लस डी, तो इस हिसाब से पहला एंगल बनता है 60 माइनस डी और डी की वैल्यू कितनी है 30, तो ये आ गया मेरे पास 30, दूसरा एंगल 60 है, तीसरा है हमारा 60 प्लस डी, हमारा 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, ठीक है, तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन करना है आपको, इस तरह का जब आ जाएगा ओके है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक मिनट।
लाइट थोड़ा देखते हैं सिस्टम सही हुआ हो। अब क्लियर दिख रहा है क्या? थोड़ा सा लाइट वगैरह वो उस पर पड़ रहा था रिफ्लेक्शन। ठीक है चलिए आंसर हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए आपसे गिवन है यहां पर, यहां पर जो क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन का फॉर्मूला समझ लेंगे। आपको अगर ये एंगल थीटा रेडियन में गिवन है ठीक है, और यहां ये आर्क लेंथ पता है आपको और ये रेडियस निकालनी है, या फिर ये रेडियस गिवन है और आर्क लेंथ पता नहीं है, तो थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर के। ठीक है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, ये आपको पहले बताया जा चुका है। चलिए समझेंगे, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 किलोमीटर। ठीक है मून का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है 360,000। फर्स्ट पॉइंट आपको ये गिवन है कि मून का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो है 360,000 किलोमीटर। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं, एंड इट्स डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है और इसका जो डायमीटर है, मून का जो डायमीटर है ठीक है वो सबटेंड मतलब एंगल बनाता है। ठीक है मून का जो डायमीटर है सबटेंड एंगल से मतलब एंगल बनाता है अर्थ पर एक ऑब्जर्वर की आई पर, ऑब्जर्वर आई पर, और ये ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा हुआ है? अर्थ पर। ठीक है यहां पूरा क्वेश्चन समझना जरूरी है, अर्थ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसकी आई पर जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 31 मिनट। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहली चीज मून और अर्थ का डिस्टेंस 360,000 किलोमीटर, मून का डायमीटर ऑब्जर्वर की आई, जो ऑब्जर्वर अर्थ पर खड़ा हुआ है उसकी आई पर जो एंगल बनाता है दैट इज 31 मिनट। फटाफट से मुझे बताइए कि डायमीटर ऑफ द मून कितना होगा। ठीक है डायमीटर ऑफ द मून कितना होगा ये मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है आप पहले कोशिश कर लीजिए फिर मैं इसको समझाता हूं, जल्दी से करिए इसको। ठीक है जल्दी बताइए। देखिए यहां आपसे कहा गया मून, मान लेते हैं ये मून है, यहां कहीं अर्थ है ठीक है, और अर्थ पर यहां कोई ऑब्जर्वर है ठीक है, यहां कोई ऑब्जर्वर है ठीक है जिस पर उसका एंगल बनता है कितने का, जिस पर उसका एंगल बनता है कितने का 31 मिनट का। ठीक है 31 मिनट का। ठीक है अच्छा ये चीज एक बात समझेंगे, जैसे कि मैंने कहा एक एंगल है यहां पर थीटा और ये इसकी आर्क है और ये यहां पर बनने वाली कॉर्ड है। ठीक है यहां बनने वाली ये कॉर्ड है और ये आर्क। ठीक है तो यहां पर अगर मैं आर्क लेंथ को मेजर करूंगा, यहां आर्क लेंथ को मेजर करूंगा और इस कॉर्ड को मेजर करूंगा तो थोड़ा डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर मैं इस एंगल को थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है मैंने कहा इस एंगल को थोड़ा छोटा कर देते हैं ये इस तरह से मैंने छोटा कर दिया और ये आर्क लेंथ आई, ये कॉर्ड। ठीक है
ठीक है, देखो मैंने इस एंगल को स्मॉल कर दिया, ठीक है, और ये आर्क लेंथ आई, ये हमारी कॉर्ड आई, ठीक है। क्या अब इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, ठीक है, ये लगभग एक जैसी लेंथ के बराबर होंगे, ठीक है, तो ये एक जैसी लेंथ के बराबर होंगे। तो मैं यहां बोलता हूं, यहां बनने वाली आर्क मान लो कुछ ऐसी थी, ठीक है, यहां बनने वाली थी, ठीक है, और यहां बनने वाला डायमीटर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो मून पे बनने वाला आर्क लेंथ कुछ ऐसी होगी, डायमीटर ऐसा होगा, लेकिन एंगल कैसा है? बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल एंगल है। तो इस स्मॉल एंगल पे मैं बोलता हूं, ये जो आर्क लेंथ है मून पे बनने वाली, ये जो आर्क लेंथ है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी इस मून के डायमीटर के, ठीक है, यहां समझ में आया? तो यहां पर हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया है, उसको ध्यान से समझेंगे कि छोटे एंगल्स पर कॉर्ड की लेंथ, जो कॉर्ड बन रही है उस आर्क के अंदर, वो लगभग बराबर होगी, ठीक है। तो मैं बोलता हूं अगर इसका आर्क लेंथ एल है तो मैं डायमीटर को भी अप्रोक्सीमेटली एल मान लेता हूं, ठीक है, यहां पर, ठीक है। तो मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना गिवन है? 360,000, तो इसका आर मतलब रेडियस कितनी बन गई? 360,000 किलोमीटर, यही बन गई मेरे पास, ठीक है। क्या अब हम इसका निकाल सकते हैं? क्या अब हम इसका डायमीटर या आर्क लेंथ निकाल सकते हैं? जल्दी से निकालिए, क्या होगा? सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है यहां पर, ये 31 मिनट के अंदर एंगल है, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूं, देखिए सबसे पहली चीज, ये एंगल किसके अंदर गिवन है? मिनट के अंदर, ठीक है। तो मिनट से पहले इसको करेंगे हम डिग्री के अंदर, ठीक है। तो ये है 31 मिनट, डिग्री में करने के लिए मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 60 से डिवाइड करते ही ये मिनट किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, वन मिनट में 1/60 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो 31 मिनट को पहले हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, कैसे? बाय डिवाइडिंग इट विद 60, तो ये हो गया 31/60 डिग्री, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। सेकेंड चीज, जब भी हम इस फॉर्मूले को निकालते हैं, फॉर्मूले से हम कुछ भी निकालना है, तो एंगल शुड बी इन रेडियन, लेकिन अभी तो ये डिग्री में, रेडियन में नहीं है, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर? रेडियन के अंदर, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें पाई बाय 180 का, ठीक है, पाई बाय 180 का। तो आई पर बनने वाला एंगल, जो आई पर बनने वाला एंगल है वो रेडियन में कितने के बराबर हुआ? 31/60 × π/180 के, ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब लगाते हैं इस फॉर्मूले को और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। देखिए थीटा कितना है हमारा? 31/60 × π/180, ठीक है। लेंथ कितनी है? एल, एल हमारे पास पता नहीं, हमें पता करनी है क्योंकि वो डायमीटर है। रेडियस कितना है? 360,000 किलोमीटर, ठीक है। इसको उधर ले जाइए तो एल की लेंथ आ जाएगी 360,000 × 31 × π/60 × 180 = L, ठीक है, इज इक्वल टू L। इसको सॉल्व कर लीजिए, हाँ जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि डायमीटर ऑफ मून कितना है, ठीक है। तो हम नीचे देख लेते हैं, इसमें आपका आंसर दे रखा है 3247.6, ठीक है, ये लगभग 3247.6 किलोमीटर के लगभग आना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने नीचे आंसर में से बता दिया है, लेकिन बहरहाल आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, कि जब हमारे स्मॉलर एंगल होंगे, जब एंगल्स हमारे छोटे हैं, तो छोटे एंगल्स पर
आर्क लेंथ उसके डायमीटर के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आपको अपने आप करके देखना है, वो भी सेम चीज में सेम फॉर्मूले से रिलेटेड है। देखते हैं चलिए। इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून बी 30 मिनट, ठीक है, आपसे कहा गया मून का, जो ये मान लेते मून है, मून का एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर कितना दिया हुआ है 30 मिनट। आपको एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है। आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, आपके पास एक कॉइन है जिसका डायमीटर, जिसका डायमीटर आपको गिवन है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मून है जिसका एंगुलर डायमीटर, मतलब वो एंगल बना रहा है इसका डायमीटर, वो है 30 मिनट, 30 मिनट, और एक कॉइन है जिसका डायमीटर कितना है आपके पास 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको कॉइन को कुछ इस तरीके से यहां पर प्लेस करना है, ठीक है, कॉइन को यहां पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि ये कॉइन कंप्लीटली ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप कर जाए मून को, मतलब मून को पूरी तरह से ढक ले, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक मून है जिसका एंगुलर डायमीटर आपको गिवन है 30 मिनट, एक कॉइन है जिसका डायमीटर आपको 2.2 सेंटीमीटर गिवन है। आपको कॉइन को कुछ इस तरीके से रखना है यहां पर कि वो पूरे मून को वहां पर ओवरलैप कर जाए, ठीक है, वो उसको पूरी तरह से ढक ले। चलिए बताइए कितनी दूरी पे हमें उस कॉइन को रखना चाहिए। चलिए बताइए, जल्दी से बता दीजिए। देखिए इसका डायमीटर कितना गिवन है मुझे 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, यही गिवन है। अच्छा मुझे ये वाला पार्ट निकालना है आप, ठीक है, लेकिन इस पार्ट को निकालने के लिए पहले ये एंगल मेरे पास कितने में होना चाहिए, रेडियन में, और ये किस में गिवन है, मिनट के अंदर। तो मिनट से सबसे पहले मैंने इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया और 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया डिग्री के अंदर, ठीक है, जो कि हो गया मेरे पास 1/2 डिग्री, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया कटने के बाद 1/2 डिग्री, जिसको कन्वर्ट किया मैंने रेडियन के अंदर और मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, जो कि बन गया पाई बाय 360 रेडियन, ये एंगल आ गया मेरे पास, ठीक है, पाई बाय 360। ये एंगल बराबर होना चाहिए आर्क लेंथ, देखो स्मॉलर एंगल के लिए आर्क लेंथ और डायमीटर सेम होता है, मैंने बताया था आपको, स्मॉलर एंगल्स के लिए जो कि यहां पर 30 मिनट का है, आर्क लेंथ और डायमीटर दोनों सेम होने चाहिए, संध्या शर्मा मयंक, ठीक है। देखिए आपको सिंपल करना है, सिंपल इस चीज को ऐसे समझना, चलो पहले इस क्वेश्चन को बता देते हैं फिर उसके बाद एक बार और डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए यहां पर बनने वाला एंगल जो कि है 1 रेडियन के अंदर 1/2 × π/360 रेडियन, यहां पे बनने वाला एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के, ये हमने पिछले टॉपिक में जाना था। तो सिंपल है, ये वाला जो एंगल पाई बाय 360 जो रेडियन के अंदर है, ठीक है, पाई बाय 360 ही तो बना ही वाला है, ये वाला जो एंगल है ये बराबर होना चाहिए ये वाली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के, और यहां आर्क लेंथ कितनी है 2.2, रेडियस आपको पता नहीं, रेडियस को भर ले जाइए 2.2 × 360 / π, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 252 सेंटीमीटर। अच्छा आगे समझते हैं, देखो जो चीज आपको नहीं समझ में आई पहले उस बारे में बात करते हैं। हाँ जी हाँ भाई बताइए क्या दिक्कत आ रही है, जल्दी बताइए, कहो चैट में लिख के, क्योंकि 10 सेकंड का डिफरेंस हो जाता है आपके बोलने और मेरे सुनने में। चलिए जल्दी से बताइए आपका
आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या एंगल समझ में नहीं आया, निकालना कैसे निकालना है या एप्रोक्सीमेशन कैसे करना है ये समझ में नहीं आया, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, अगर आपको एक एंगल यहां पर थीटा रेडियन के अंदर गिवन हुआ, ठीक है, अगर यहां पर आपको एक एंगल थीटा रेडियन के अंदर गिवन है, आपको आर्क लेंथ गिवन है एल, आपको रेडियस यहां से यहां तक की रेडियस गिवन है, ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर के, इसका डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये एंगल रेडियन में बराबर होता है इसकी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के, क्या इतनी बात समझ में आ गई, तो ओके भेजो। ओके है 252 बिल्कुल सही है। ओके 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 ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लेकिन लेकिन अगर ये थीटा जो रेडियन के अंदर है ये बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, ये थीटा कैसा है, ये जो थीटा है रेडियन के अंदर ये बहुत ज्यादा कैसा है, स्मॉल है, समझे, देखिए ये जो थीटा अगर हमारा रेडियन में जो गिवन है ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं बोलता हूं ये आर्क लेंथ मेरी जो एल है ये लगभग बराबर होगी, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी यहां पर बनने वाली कॉर्ड के, ठीक है, जो कि हमारी कितनी है यहां पर बनने वाली कॉर्ड उसके लगभग बराबर होगी, ठीक है। ये मैंने बोला कि अगर ये एंगल छोटा है तो आर्क लेंथ और आर्क लेंथ पे बनने वाली यहां पर कॉर्ड ये दोनों लगभग बराबर होंगे, अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे, ठीक है। तो स्मॉल एंगल जैसे कि मैंने बोला 30 मिनट 31 मिनट इन्हीं दोनों पे सवाल किए थे, ये एंगल बहुत ज्यादा छोटे हैं, लगभग हाफ डिग्री के बराबर है, तो इन छोटे एंगल्स पर ये जो आर्क लेंथ है अपनी कॉर्ड के लगभग बराबर होगी, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी, ठीक है। तो अगर मैं आर्क लेंथ निकाल रहा हूं, अगर मैं मून की आर्क लेंथ निकाल रहा हूं तो वो मून के डायमीटर के बराबर भी होगी, क्योंकि मून का जो एंगल बन रहा है आई पर, ऑब्जर्वर की आई पर, वो बहुत ज्यादा कैसा है, स्मॉल एंगल है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है तो ओके भेजो, चलिए क्लियर है तो ओके भेजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी बताइए क्या समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे कहा गया एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड निकालना है आपको, ठीक है, आपको निकालना है एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, ठीक है, जो मिनट की वाली सुई है जो आवर वाली सुई है इन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा ये आपको निकालना है, ठीक है, जब टाइम हो रहा है 7:20 AM, ठीक है, 7:20 AM, ठीक है, 7:20 AM पर एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा, पहले आप कोशिश करिए फिर मैं बताता हूं। ठीक है देखते हैं, अच्छा दोनों
सबसे पहले एक कंडीशन आते हैं, दोनों सुई एक पोजीशन पर किस टाइम पर होती है, ठीक है, वो दोनों सुई एक पोजीशन पर होती है 12 बजे, ठीक है, 12 बजे, ठीक है, दोनों सुई एक ही पोजीशन पे होती है, ठीक है, 12 बजे मिनट की सुई और आवर की सुई दोनों एक ही पोजीशन पे लाई करती है। अच्छा, हमें निकालना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल एट कितने बजे, 7:20 है, तो 12 से 7:20 AM होने तक, ठीक है, 12 से 7:20 AM होने तक कितने आवर्स आपके पास हो गए, आपके आवर्स पास हो गए 7 hours 20 minutes, इतना टाइम आपका पास हो गया, ठीक है, इतना टाइम आपका पास हो गया। हाँ जी बिल्कुल, किसने निकाला है, प्रीति अग्रवाल, मयंक, मयंक तो संध्या है, प्रीति कौन है ये, ठीक है, तो 120 बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहां से यहां तक के टाइम को होने में, ठीक है, जो टाइम लगा That will be 7 hours 20 minutes, क्लियर है। अच्छा, हम जानते हैं मिनट, सॉरी आवर हैंड, जो आवर वाली जो सुई होती है, आवर वाली सुई जो है वो एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन, या बोल सकते हैं 360 डिग्री कंप्लीट करती है कितने आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। हम यहां पर जानते हैं आवर एंड, जो मिनट आपकी आवर वाली जो सुई है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 12 से मिलके फिर दोबारा 12, कितने घंटे में बचते हैं आपके, बताइए, सॉरी 12 से 12 के 12 आवर्स आएगा, ठीक है, 12 आवर्स, क्योंकि 24 घंटे वाला नहीं होता। हाँ जी समझेंगे, देखिए आवर हैंड को 12 से 12 बजाने में दोबारा कितना टाइम लगता है, 12 आवर का, ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का कितने आवर्स में कंप्लीट हुआ, 12 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं यहां कितने आवर पास हुए, देखो यहां आवर पास हुए 7 आवर तो पूरे पूरे पास हुए, लेकिन 20 मिनट में कितने आवर पास हुए, इसमें पास हुए 20/60 आवर, जो मिलके कितना हो गया 1/3 आवर, इसको सॉल्व कर लीजिए 22/3 आवर्स, ठीक है। तो 7 घंटे 20 मिनट का मतलब है आपका 22/3 आवर्स पास हो गए, ठीक है, 22/3 आवर्स पास हो गए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, देखिए 12 आवर में कितने कंप्लीट हो रहे हैं, देखिए 12 आवर में कंप्लीट हो रहे हैं आपके कितने 360 डिग्री, ठीक है, यहां तक बात सही है, 12 आवर में कितने कंप्लीट हो रहे हैं 360 डिग्री, तो 1 आवर के अंदर कितने कंप्लीट होंगे 360/12, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, इतने ही कंप्लीट होंगे, ठीक है, इतने ही कंप्लीट होंगे। हमें कितने आवर में निकालना है 22/3, तो 22/3 आवर के अंदर कितने कंप्लीट होंगे 30 डिग्री × 22/3, सॉल्व कर लीजिए इसको 10 = 220 डिग्री, ठीक है। तो आवर एंड 7 hours 20 minutes के अंदर कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा, 220 डिग्री का, 220 डिग्री का, ठीक है। ये तो रही बात आवर हैंड की, यहां तक बात समझ में आई, तो इस पॉइंट को मैं यहां लिख लेता हूं, आर हैंड ने कितना एंगल बनाया, 220 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, यहां बात हमारी समझ में आ गई कि आवर हैंड ने जो एंगल बनाया है दैट इज 220। चलिए अब आते हैं मिनट हैंड पर, ठीक है, देखिए मिनट हैंड की जब हम बात करेंगे तो मिनट हैंड में ये आवर्स कोई फर्क नहीं डालेंगे, क्यों, देखिए क्योंकि हर आवर होने के बाद, हर एक आवर कंप्लीट होने के बाद वो अपनी पोजीशन पे बैक वापस आ जाती है, ठीक है, तो 7 बार वो अपनी पोजीशन पे वापस आ चुकी होगी, ठीक है। अब वो 20 मिनट के लिए फिर से इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होगी, देखो 7 आवर के बाद वो फिर से 12 वाली पोजीशन पे आ गई,
और 20 मिनट में वो आगे फिर से बढ़ेगी, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, एंगल बनाने के लिए। अच्छा, तो यहां पर पहली चीज समझते हैं कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देखो मिनट हैंड, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो कि बोल सकते हैं 360 डिग्री कंप्लीट करती है कितनी, 60 मिनट के अंदर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री कंप्लीट करती है। अच्छा, लेकिन हमें तो निकालना है 20 मिनट में कितना एंगल उसने कवर किया, तो समझेंगे। देखो 1 मिनट में कितना करेगी वो, 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 बार, ठीक है, तो 6 डिग्री का एंगल कवर करेगी वो 1 मिनट के अंदर। और 20 मिनट में कितना कवर करेगी, 20 मिनट के अंदर कितना करेगी, 20 × 6 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, इतना एंगल ही कवर करेगी, ठीक है, 120 डिग्री ही कवर करेगी, ठीक है। तो मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, यहां पर बात समझेंगे, मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया 120 डिग्री का, तो यहां पर दूसरी बात हम यहां मेंशन करेंगे, मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, वो बनाया 120 डिग्री का। क्लियर है यहां पर, क्लियर है यहां पर, तो ओके भेजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए यहां पर 7 आवर 20 मिनट के अंदर आर हैंड ने कंप्लीट किए 220 डिग्री और मिनट हैंड ने कंप्लीट किए 120 डिग्री। तो देखेंगे, देखिए 7 आवर 20 मिनट में, देखिए 12 से स्टार्टेड है, ठीक है, 12 से स्टार्टेड है और आवर हैंड ने कितने बनाए 220 डिग्री, देखो आवर हैंड ने ये बनाया एंगल, ठीक है, वही मिनट हैंड ने कितना बनाया 120, देखो इसने बनाया 220 और इसने बनाया 120 डिग्री, ठीक है। देखो ये मिनट हैंड है, एमएच लिख देता हूं, मिनट हैंड, ये आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड ने एंगल बनाया पूरा 220 जबकि मिनट हैंड ने बनाया केवल 120, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल हुआ ये वाला, देखो यहां से लेके यहां तक जो कि हुआ 220 माइनस 120 जो कि हो गया 100 डिग्री। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन कैसे करना था, क्या समझ में आया? चलिए, हाँ जी, जो जो लाइव है अभी वो क्वेश्चन मार्क करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के अंदर, आरडी शर्मा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज चुका हूं उसके स्क्रीन शॉट जो है एक्सरसाइज 4.1 का, जो इसमें क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 7, 9, 13 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 18, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एमसीक्यू पार्ट, ठीक है, इसके बाद आता है आपका एमसीक्यू पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चंस है इसके अंदर, तो ये आपका होमवर्क है अभी के लिए। नेक्स्ट पार्ट पे मैं जा रहा हूं, जब तक आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद हम इनको डिस्कस करते हैं डाउट सेशन के अंदर, डाउट सेशन के अंदर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। चलिए, हाँ जी, ये तो एक पार्ट था जो आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसके ऊपर क्वेश्चंस थे जो आपको करने थे। नेक्स्ट पार्ट है आपका जो आपको समझाया गया था,
वो था आपका एंगल कन्वर्जन, ठीक है, कि आपको एंगल को कैसे एक टिग्नोमेट्रिकल रेशियो से दूसरे टिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। आपसे बोला गया कि सेक एक्स, देखिए आपको गिवन है यहां पर सेक एक्स इज इक्वल टू रूट टू, ये आपको रूट टू गिवन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसके साथ गिवन है एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3π/2, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π, और ये लेस देन है 2π के, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, आपको वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, एक वैल्यू निकाल लीजिए कोई भी, चलिए 10x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको इसके अंदर 10x की वैल्यू निकालनी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इस जैसा पहले भी कराए हुए हैं, तो इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो, जिससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़े क्लास की। आप बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड्स वगैरह में, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक हमारा भी इंटरेस्ट थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, हमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि भाई कि आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, देखिए sec x इज इक्वल टू रूट टू है, अच्छा 3π/2 से लेके 2π, ये कौन सा क्वाड्रेंट है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये 0, ये π/2, देखो अब मैं रेडियन के अंदर बात करने की कोशिश कर रहा हूं, π/2 मतलब 90 डिग्री, ये आ जाएगा मेरे पास पाए, ये आ जाएगा मेरे पास 3π/2, और ये लौट के फिर से आ गया 2π, ठीक है। देखो 2π मतलब 360, ये 270, तो 3π/2 से लेके 2π, ठीक है, 3π/2 से लेके 2π कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये किसका घर होता है, कॉस और सेक का, ये इन्हीं दोनों का घर है, ठीक है। अच्छा अब बात को समझते हैं, मुझे टेन एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए इसमें आने का तरीका है 360 माइनस थीटा, देखो 2π माइनस थीटा, मैं इसको बोल सकता हूं 2π माइनस थीटा इसमें आने का तरीका है, ठीक है। करने के लिए हम 3π/2 से भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर कन्वर्जन होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 360 माइनस थीटा वाला चीज लगाएंगे। तो मैंने बोला sec x, ये जो sec x है ये बराबर है मेरे sec sec 2π माइनस थीटा के, ठीक है, 2π माइनस थीटा के मेरे पास बराबर है, ठीक। अच्छा ये बराबर है मेरे पास sec माइनस थीटा के, ठीक है। देखो 360 माइनस थीटा कितने के बराबर होगा, थीटा के, सेक थीटा के, और ये किसका घर है, सेक का, तो पॉजिटिव रहेगा, सेक थीटा के बराबर हो गया, और सेक थीटा की रूट टू वैल्यू कितने पर होती है, सेक थीटा की रूट टू वैल्यू कितने पर होती है, 45 डिग्री पर, सेक 45 डिग्री पर, सेक 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू रूट टू होती है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू मेरे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है। 45 डिग्री बोल सकते हैं, या इसको π/4 बोल सकते हैं, π/4 के बराबर आके, ठीक है। तो ये वैल्यू जो थीटा की है मैं यहां रख सकता हूं, तो मेरे पास sec x बराबर आ गया sec 2π - π/4, ठीक है, तो ये बराबर आ गया मेरे पास sec 7π/4, 7π/4, ठीक है। अच्छा मुझे वैल्यू निकालनी है, देखो ये बराबर हो गया sec x,
एक्स की वैल्यू आ गई 7π/4, sec से sec कैंसिल, x इज इक्वल टू 7π/4। मुझे वैल्यू निकालनी है tan x की, मतलब मुझे वैल्यू निकालनी है tan 7π/4, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। और tan 7π/4 बराबर होता है tan 2π-π/4, ठीक है, इसी के बराबर होता है। देखो 2π-π/4 के बराबर होता है 7π/4, ठीक है। अच्छा 2π का मतलब कितना हुआ, 360 माइनस थीटा, क्या 360 पे कन्वर्जन होगा, क्या 360 पे कन्वर्जन होगा, नहीं होगा, वो tan ही रहेगा 360 पे, ये tan ही रहेगा और बन गया tan pi by 4। और 2π-π/4, 2π-θ किसका घर है, cos और sec का, कौन आया है वहां पर, tan कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आंसर आ गया माइनस का tan pi by 4 जिसकी वैल्यू होती है 1, आंसर इज -1, ठीक है, ठीक है, आंसर इज -1, क्लियर है यहां तक, हमें ये क्वेश्चन कैसे करना था। तो होमवर्क लिखेंगे इसके अंदर, इसमें होमवर्क है पेज नंबर, चलिए पेज नंबर तो आपका नहीं होगा, आपका बुक नहीं है, एक्सरसाइज 5.2 पे मार्क करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 में मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, आपको दो क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर, एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर है। तो ये दो एक्सरसाइज आपको होमवर्क मिल गई है। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी टाइम बचा हुआ है, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ट्राई करते हैं, आपने जो समझाया है इसमें, ये सारे क्वेश्चन जो आपको मार्क कराए जा रहे हैं ये डाउट सेशन के दौरान डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए आप ढंग से मार्क करिएगा इनको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है मेरे पास आरडी शर्मा के अंदर, ये बोल रहा है ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है कुछ इस तरह का, जो है ए बी सी एंड डी, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि है ए बी सी डी, और आपको प्रूफ करना है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, फिर आगे समझते हैं इसको। cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d इक्वल टू 0 होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इजी है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन थोड़ा हैबिट में आ जाएंगे तो ये वाकई में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली चीज हमें यहां पर बोला क्या गया है, हमें बोला गया है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो किसी कारण की वजह से ही दिया गया है, ठीक है। अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, कि इसकी अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है, मतलब a प्लस c इज इक्वल टू 180 होगा, 180 अगर मैं डिग्री में लिख रहा हूं, लेकिन अगर हम इसको रेडियन में लिखेंगे तो हम इसको पाई लिखेंगे, ठीक है, मैं दोनों साइड लिख के चलता हूं। देखो a प्लस c अगर हमें सॉल्व करना है तो पाई लिख के चलेंगे, क्योंकि हमें दिमाग में इसकी इमेज बनी होनी चाहिए, ठीक है, तो इस हिसाब से a इज इक्वल टू 180 माइनस c आ गया मेरे पास, ठीक है, ऐसे ही b प्लस d ये भी 180 होना चाहिए, ठीक है, तो b की वैल्यू मेरे पास 180 माइनस d आ गई, ठीक है, सेम वे में यहां से a की वैल्यू आ गई 180 माइनस c, ठीक है, b प्लस d इज इक्वल टू पाई है, सॉरी पाई माइनस c, ठीक है, तो b इज इक्वल टू आ गया पाई माइनस d, ठीक है, यहां पर
तो हमें पाई से कैसे करना है, 180 से कैसे करना है, सिर्फ हमें दिमाग में ये बना के चलना है पाई मतलब 180, ठीक है। अच्छा ये वाली वैल्यू ए की और ये वाली वैल्यू बी की, मैं यहां ए की जगह और यहां बी की जगह रख देता हूं, ठीक है। तो यहां जब मैंने रख दी तो ये बन गया कॉस 180 माइनस सी प्लस कॉस 180 माइनस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। मेरा एलएचएस पार्ट यही बन गया, देखो ए और बी की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी, ठीक है। अच्छा कॉस 180 माइनस सी, ठीक है, 180 पे क्या कन्वर्जन होता है, नहीं होता है, ये कॉस सी ही रहा, लेकिन 180 माइनस सी क्या इसका घर है, नहीं है, वो साइन और कोसेक का घर है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में ये बन गया माइनस का कॉस डी, ये पीछे प्लस कॉस सी और ये प्लस का कॉस डी, ये सारे आपस में कैंसिल इक्वल टू जीरो। समझ में आया कैसे आया ये आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें सिर्फ 180 को पाई मान के चलता है, ठीक है, कि पाई मतलब 180। तो हम अगर ए की वैल्यू यहां पर ये रख दें और बी की वैल्यू यहां पर ये रख दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस सी, ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस डी, ये बन जाएगा कॉस सी और ये बन जाएगा कॉस डी, ये बन जाएंगे मेरे पास। अच्छा कॉस पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी, ठीक है, पाई पे क्या कन्वर्जन मतलब 180, पाई मतलब 180, पाई पे क्या कन्वर्जन होता है, नहीं होता है, तो ये कॉस सी ही रहा और पाई माइनस सी मतलब 180 माइनस सी क्या इसका घर है, ये इसका घर नहीं है, ये साइन और कोसेक का घर है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव, सेम वे में ये माइनस का कॉस डी, ये हो गया प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस डी से कॉस डी, कॉस सी से कॉस सी कैंसिल इक्वल टू जीरो। समझ में आया कैसे करना था ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 होमवर्क मार्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट करेंगे आप एंड 9th पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करेंगे एंड 6th पार्ट करेंगे। फिर से बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th एंड 9th, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th एंड 6th, क्वेश्चन नंबर 3 का आरडी में से है ये सारा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का है 3rd पार्ट एंड 5th पार्ट, ठीक है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का 2nd, क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट एंड 5th पार्ट, ठीक है, ठीक है। यहां पर चलिए ये आपका होमवर्क रहा, इसके बाद हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कि अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन पाई माइनस 2x का कैसे बनेगा, या 3 साइन पाई बाई 2 माइनस 2x का कैसे बनेगा। तो इन सब चीजों को हम समझेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का और इस पर रिलेटेड कैसे सवाल हमारे बनेंगे। क्लियर है तो चलिए, ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर नहीं करोगे तो यहां स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, आप लोग शेयर करिए। अब सारी चीजें लाइव चल रही हैं, अब आपके डाउट सेशन है, डाउट सेशन में वो ही बच्चे आ पाएंगे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और नए बच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम लाइव क्लास के अंदर उन लोगों को जुड़ना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का, ठीक है, लाइव क्लास के दौरान आपका जुड़ना जरूरी है, जुड़ना और बच्चों का, तो बोलो उनसे। आज की क्लास में सब समझ में आया, तो ओके लिखो, बाकी क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क दिए गए हैं उन्हें डाउट सेशन में डिस्कस करते हैं। हमारी क्लास में 56 मिनट्स हो चुके हैं,
और देखिए 56 मिनट्स अगर लोग बाग नहीं बोलते हैं, शांति बनाए रख